हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना ग्राफिक टैबलेट, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल ड्राइंग भी, और मैंने अमेजोन से परचेज किया अपना फर्स्ट ग्राफिक टैबलेट, जो कि मेरे पास है इंस्पायर ऑय H610 Pro V2। ये है होयोन कंपनी का। अभी मैं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग और फिर इसको यूज़ करके देखता हूँ कैसे, और आपको डिटेल रिव्यू दूंगा इस वीडियो में। सो पूरा वीडियो जरूर देखना। और ये बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो मेरी न्यू पेंटिंग है, एक्रेलिक कलर से मैंने न्यू पेंटिंग बनाई है। ये भी कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। Amazon इंडिया पे इस टाइम इसकी MRP 7500 के आसपास है। सो ये मेरा इंस्पायर ऑय H610 Pro V2 ग्राफिक टैबलेट। सील बॉक्स है, अभी इसको ओपन करता हूँ। कटर तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि अनबॉक्सिंग वगैरह ज़्यादा करता नहीं, सो सीजर से ही कट कर रहा हूँ अभी। ओपन करके देखते हैं अब क्या क्या है बॉक्स में। सीधा कर लेता हूँ पहले। एक थैंक यू नोट रखा हुआ है इन्होंने, थैंक यू फॉर चूजिंग Huion प्रोडक्ट। इसको साइड में रख देता हूँ अभी, मेन चीज़ें देख लेते हैं पहले जो काम की है हमारे। सो ये है वो टैबलेट, जल्दी से निकाल लेता हूँ इसको। काफ़ी अच्छी लग रही है, लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। बटन से इस पर कुछ डिफरेंट आइकन्स भी बने हुए बटन्स पे, देख सकते हैं आप। काफ़ी स्लीक बॉडी और बहुत लाइट वेट है ये। और ये CD जैसा दिख रहा है, पर ये CD नहीं है, दिखाता हूँ। हाँ CD नहीं है, ये कार्डबोर्ड का पीस है और इस पर लिखा हुआ है, लिंक्स लिखे हुए हैं ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए। इसको रख देते हैं। और ये आई थिंक यूज़र मैनुअल है एक बीच में, और वारंटी कार्ड पड़ा है। इनको भी अभी साइड में रख देता हूँ और देखते हैं क्या है। अच्छा, एक USB केबल है टैबलेट को लैपटॉप PC से कनेक्ट करने के लिए। और ये है वो ग्राफिक पेन जो कि हम यूज़ करेंगे ड्राइंग करने के लिए इस टैबलेट से। इसको बाहर निकाल लेता हूँ पैकेट से। बैटरी फ्री स्टाइलस है ये, सो ये काफ़ी अच्छी बात है। खुद चार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने टैबलेट्स का जितने भी आते हैं स्टाइलस वो चार्ज करने पड़ते थे थोड़ी देर के बाद, या उनमें सेल्स पड़ते थे, बट ये बैटरी फ्री है। और ये है पेन स्टैंड, इस पर हम इस तरह से अपना पेन रख सकते हैं। टेबल पे रखा हुआ है, जहाँ पे भी पेन ऐसे रख दिया तो सेफ रहता है। ऐसे हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं हम पेन को। और इसमें आई थिंक एक्स्ट्रा निब्स भी दी होंगी। हाँ, खोल के देखता हूँ। एक्स्ट्रा निब्स दी हुई हैं इसमें। अब इन सबको रख देता हूँ और जल्दी से लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, फिर यूज़ करके देखते हैं कैसा है टैबलेट। सो अपने लैपटॉप के साथ मैंने टैब को कनेक्ट कर दिया USB केबल के साथ। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा और उसके बाद कोई छोटी सी ड्राइंग भी कर लूँगा। लैपटॉप को करते हैं ऑन और लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो जब आप अपने टैबलेट को PC से कनेक्ट करोगे और ये ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर खुलेगा। टैबलेट का जो सॉफ्टवेयर है, ये ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर खुलेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और कनेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे नीचे बॉटम में दिखेगा आपको डिवाइस कनेक्टेड, लेफ्ट बॉटम पर यहाँ पर दिख रहा होगा। जब यहाँ पर आता है डिवाइस कनेक्टेड, मतलब आपका ये सेटअप स्टार्ट हो चुका है टैबलेट का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं प्रेस क्रीज, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये टैबलेट पर जो कीज़ दिखाई थी मैंने पहले, इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे ये सबसे टॉप वाली की थी जो,
इस पे आप खुद बटन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन से बटन सेलेक्ट करने हैं। वैसे ही हर एक बटन पे आप खुद फीचर सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सॉफ्ट कीज़ है, ये हार्ड कीज़ हैं, सॉफ्ट कीज़ हैं, इन सब में आप खुद अपनी मर्जी से बटन शॉर्टकट्स रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मैं बाद में डिटेल में बताऊँगा। सो सेकेंड नंबर पे है पेन की सेटिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बॉटम पे दिया प्रेशर टेस्ट और ऊपर दिया प्रेशर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट। प्रेशर टेस्ट में आप देख सकते हैं जब हल्के हाथों से अगर करूँगा ड्रॉ और अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा तो मोटी लाइन्स बनेंगी, और साइड पे जो प्रेशर ये बाहर दिया हुआ है अगर हल्के हाथों से करेंगे तो ये थोड़ा सा अप जाता है और ज़्यादा करेंगे तो ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पेन का प्रेशर ठीक है या नहीं है। और ये माउस राइट बटन और स्विच प्रेस जो दो बटन्स दिए हुए हैं पेन पे, ये आप चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स यहाँ से, पर मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। बाकी ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं, आप चलो ड्राइंग करके देखते हैं। सो ट्राई करके देखते हैं पहले कैसा चलता है ये। यहाँ पे कुछ ब्रशेस हैं, ये आई थिंक फाइन लाइनर है, नहीं वैसे ब्रश है सर, इसको यूज़ करके देखते हैं। और कौन से ब्रशेज यूज़ करके देखते हैं, ये मैं बिल्कुल हल्के हाथों से अभी कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके देखते हैं। तो अच्छा चल रहा है काफ़ी। कम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ अभी, अब ज़्यादा ये ज़्यादा किया। और कोई ब्रश देखते हैं, फाइन लाइनर है। ओके, साइज बढ़ा कर देखते हैं ब्रश का, और बढ़ाते हैं। नाइस। और कौन से ब्रशेस हम यूज करके देख सकते हैं इससे। स्केच में पेंसिल यूज करके देखते हैं, पेंसिल जूम कर लेते हैं। ओके, तो पेंसिल यूज करके देखते हैं। ये मैं लाइट प्रेशर कर रहा हूँ अभी, ज़्यादा करके देखते हैं। तो डार्क जैसे बिल्कुल पेंसिल होती है हमारी, वैसे ही चल रहा है बिल्कुल, हल्के करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके डार्क। अब ब्रशेस ट्राई करके देखते हैं, ब्रशेस ब्रशेस पेंट, डिफरेंट तरह के ब्रशेस हैं यहाँ पे। हाँ, ये ब्रश यूज करके देखते हैं। कलर कोई और लेते हैं, ब्लू। कुछ ड्रॉ करके देखते हैं, मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ। चलो अब कुछ ड्रॉ करके देखते हैं, छोटा सा कुछ ड्रॉ करूँगा मैं वैसे, क्योंकि ड्राइंग वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो तो नहीं है, बस
इसमें मुझे रिव्यू करना है अपने न्यू टैब को, और अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो थी। सो कोई बेसिक सी ड्राइंग बना के मैं अभी बस चेक कर रहा हूँ। अभी तो इससे मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट टाइम ये वाला टैब ट्राई कर रहा हूँ। सो जस्ट बेसिक सी ड्राइंग है ये, सिर्फ चेक करने के लिए ही बना रहा हूँ। अब मैं ज़रा स्केचिंग टूल्स यूज़ करके देखता हूँ, पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल्स वगैरह, पेंसिल की उसमें कैसे चलता है। पेंसिल पहले पेंसिल देख लेते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल जो इसमें होगी। ठीक है, पेंसिल ये भी मैं लाइट प्रेशर यूज़ करके लाइंस कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर से करता हूँ ज़रा। ठीक है, दूसरी पेंसिल देखते हैं। ब्लेंडिंग करके देखता हूँ इसको, ब्लेंडिंग ओके। तो ये वैसे ही है जैसे हम ट्रेडिशनल ड्राइंग में पेंसिल से करते हैं, और ब्लेंड करने के बाद ऐसे ही लगती है, बिल्कुल वैसा ही है। अभी इसको भी ब्लेंड करके देखते हैं जो डार्क पेंसिल से किया था। और क्या है, चारकोल पेंसिल्स भी हैं, चारकोल पेंसिल यूज़ करके देखते हैं। थिन, मीडियम और लार्ज, पहले लार्ज यूज़ करके देखते हैं। ओके, तो ये चारकोल पेंसिल है, साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। मीडियम थिन वाली, नाइस। तो इससे मतलब हम कुछ बना सकते हैं, मीडियम से उस पर आउटलाइन कर सकते हैं, और थिन वाली हम डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेज में एक बार फिर से यूज करके देख रहा हूँ। काफी अच्छा लग रहा है मुझे, करने में मजा आ रहा है। ये तो पिंक, और मेरे इस टैबलेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ वीडियो के, वहां से आप परचेज कर सकते हैं या देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में। अभी तो मैं इसको बस डिफरेंट तरह से यूज़ करके देख रहा था, इस वीडियो में डिफरेंट पेंसिल्स ब्रशेस वगैरह सब कुछ यूज़ करके देख लिया, लिख के भी देख लिया। अब एक छोटी सी कलरफुल छोटी सी बॉल अच्छी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। शैडो ऐड कर लेता हूँ, हाँ ठीक लग रहा है, इसको ब्लेंड करता हूँ
और अब हाईलाइट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ अरे ये तो काफ़ी अच्छा बन गया। सो गाइस देखा आपने, काफ़ी बढ़िया टेबलेट है ये, और इस प्राइस रेंज में आई थिंक इससे अच्छी टेबलेट आपको नहीं मिलेगी, ग्राफिक टेबलेट। और मेरे को इसकी खास बात ये अच्छी लगी कि इसका जो एरिया है, ड्राइंग एरिया, वो काफ़ी अच्छा है। कुछ टेबलेट्स काफ़ी छोटे होते हैं तो उसमें भी ड्राइंग करने प्रॉब्लम होती है, कुछ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है हाथ की, तो वो भी गलत है। बट ये साइज़ मुझे काफ़ी परफेक्ट लगता है ग्राफिक टेबलेट्स के लिए, और इस प्राइस रेंज में आई थिंक इंडिया में इससे अच्छा टेबलेट नहीं मिलेगा। अमेजोन से टेबलेट परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में अब इससे मैं ड्राइंग वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ, सो देखते हैं किस तरह से होती है मेरे से डिजिटल ड्राइंग्स। पहले तो कुछ दिन प्रैक्टिस करूँगा मैं इस टैबलेट से, और उसके बाद फिर टाइम लैप्स वीडियोस और ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूंगा डिजिटल ड्राइंग्स के भी। सो कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये टैबलेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।